हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द फ्रेंड। आपको तो पता ही है केले में कितने सारे कैल्शियम होते हैं, तो उसका छिलका को भी हम आज फेंकेंगे नहीं, यूज करेंगे। तो पके हुए केले को छिलके से आज मैं नमकीन बनाऊंगी, सेव बनाकर तैयार करूंगी फ्रेंड। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें कुछ केले ले लेने हैं पके हुए। तो यहाँ पर चार केले के मैं देख सकते हैं पिल निकाली हुई, छिलके है, चार केले के टोटल हैं। तब इसे हमें धो करके अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में पहले तो कट कर लेनी है फ्रेंड। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड, और लोगों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में सारे चारों केले के छिलके को मैं इस तरह से कट कर ली हूँ। अब इसको हमें क्या करनी है कि कुकर में डाल देनी है, और कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे एक सीटी लगा लेनी है, एक भीसी लगा करके अच्छी तरह से इसको हमें गला लेनी है। तो यहाँ पर एक भीसी लाने वाली है, आपको दिखाती हूँ आगे क्या करनी है। तो एक भीसी लाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर बंद कर देंगे और भीसी निकलने तक वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भीसी निकल गया 10 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इस छिलके को हमें एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, प्लेट में निकाल कर मैं ठंडा कर ली हूँ। ठंडा करने के बाद हम मिक्सी जार में डालेंगे और इससे हमें अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें पानी नहीं डालना है फ्रेंड, बिना पानी डाले इस तरह से आप पेस्ट बना लें। और यहाँ पर दो आलू मैं बॉईल कर ली, तो छोटा साइज के आलू है, बिल्कुल चार केले का छिलका था और दो छोटा साइज के आलू है, जिसे छील कर हमें कद्दूकस कर लेनी है ग्रेट करने के बाद। यहाँ पर देखिए, और जो केले मैं पीस के रखी थी केले का छिलका, उसको भी हमें इसके अंदर डाल देनी है। और यहाँ पर कुछ मैं और सामान मिक्स करूँगी फ्रेंड, उसके लिए 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच बेसन जाएगा इसमें, और थोड़ा सा मैं कलर के लिए यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला मैं यहाँ पर डाली हूँ, और आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल करके मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। थोड़ा सा हाथ में मैं तेल लगा ले रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, इस तरह से मैं मेकर ले ली हूँ, सेब मेकर। तो इसके प्लेट सारे बहुत सारे आते हैं फ्रेंड, तो जिस साइज का आपका प्लेट लगाना है, बारीक वाला तो बारीक वाला लगा सकते हैं, मोटा वाला तो मोटा वाला। मैं दोनों साइज के प्लेट से यहाँ पर बनाकर तैयार करूँगी। तो पहला बैच से मैं बारीक वाली से बना रही हूँ, और दूसरा बैच बनाऊंगी तो मोटा वाला से बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बारीक वाला प्लेट मैं लगा ली हूँ, और इस मशीन को मैं सेट कर देती हूँ। इसकी कैप को अच्छी तरह से हमें लगा लेनी है टाइट से। उसके बाद चलती हूँ मैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में पहले से मैं ऑयल गर्म कर रखी थी फ्रेंड, उसके अंदर हमें इस तरह से घुमाते हुए सेव को इस तरह से, जिस तरह से आप बेसन सेव बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको बना लेनी है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर मैं बना रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। तो इसको पलटने उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड, यहाँ पर इस एक ही बार में हो जाता है तैयार। तो यहाँ पर देखिए, 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से हो गई है। काफ़ी सारे इसमें कैल्शियम होता है फ्रेंड, तो दूसरी बैच को भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहली बैच वाली ठंडी हो गई है, तब उसको हम प्लेट में रख लेते हैं, और दूसरी बैच वाली भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा प्लेट में लगा दी थी, मोटा वाला थोड़ा लगाई थी, तो 2 साइड का यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो एक प्लेट में मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड। तो इस तरह से आप केले का छिलका यूज कर सकते हैं अपने खाने में। मैं तो इसको इस तरह से बना करके चावल के साथ भी खाती हूँ, दाल चावल के साथ भी मैं लेकर खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। इसी तरह से देखिए, आज का हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। आपको ये रेसिपी मेरा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।